संजय जायसवाल जी यह पुकार होगा, संजय जायसवाल, पिता मदन जायसवाल, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का आरोपी हाजिर हो। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू पार्टी होने का दावा करती है कि जंगल राज आ गया, महाजंगल राज आ गया, गुंडा राज आ गया, उसका दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं हम नहीं जानते हैं। बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में बनी है, जंगल राज पार्ट टू आ गया। ऐसा हम नहीं, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। आए दिन दो दिन पहले समस्तीपुर में एक दारोगा की हत्या कर दी गई थी और आज खबर आ रहा है कि अररिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। अभी इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नीरज सिंह जी मौजूद है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में बिहार में जंगल राज पार्ट टू आ गया है और क्या नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभला है। नीरज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है क्योंकि बिहार जो है अब अपराधी के हाथ में चला गया है। बेउर जेल से कोई बन गया गृह मंत्री, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का कोई डीजीपी बन गया कैदी। अगर संभल नहीं रहा है जी, इसका मतलब तो यही भावार्थ निकला। दूसरा भावार्थ यह भी है, घटना हुई जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब उसको छिपाने की बात भी नहीं है मणिपुर जैसा। घटना हुई है मणिपुर में, अररिया के रानीगंज में जो घटना हुई है वह घटना सुबह में हुआ जी। बगैर उनके परिवार के FIR किए हुए पुलिस ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, उस पर दबिश बनाया जा रहा है। और एक दिन पूर्व कल वो जो पत्रकार हैं वो खुद वहाँ के SDPO राम पुकार सिंह के साथ साक्षात रूप से एक मुकदमे के अनुसंधान में जब DSP गए तो बाइट लेने के लिए गए थे। स्वाभाविक है, उनकी जिम्मेवारी बनती थी। उन्होंने न कोई अंदेशा व्यक्त किया, न उन्होंने कोई FIR लिखा, मैंने FIR करे आवेदन दिया अपने सुरक्षा के लिए। अगर सुरक्षा के लिए उन्होंने आवेदन, उनके परिजन कहेंगे और उसका साक्ष्य रहेगा तो उस पुलिस वाले पर भी कार्रवाई तुरंत करेंगे। लेकिन दुखद घटना हुई है और उस पर कार्रवाई भी तय है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक आलोचना कर रही है तो मेरे पास तो आंकड़े हैं और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आंकड़े पे आएंगे, लेकिन दो दिन पहले भी एक दरोगा की हत्या कर दी गई है। मैं बता रहा हूँ दोनों जिला का, मैं बता रहा हूँ इसीलिए तो। ऐसा थोड़े होमवर्क बिना किए हुए नहीं, वो सब भाजपा वाला रहता है चंडूखाना में घूमता है। ये अमित शाह का आंकड़ा है। अच्छा, ये हमारा, हाँ जी, वो जय शाह के पापा अच्छा जो हैं जी, डैडी जो हैं, जो बिना क्रिकेट खेले बिहार BCCI के सेक्रेटरी बन गए, बिना क्रिकेटे खेल ले समझ लीजिए। वो आंकड़े कहते हैं कि अपराध में मैंने तुलनात्मक विवरण किया है जुलाई 2022 से अगस्त से दिसंबर 2022। लेकिन इसके अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू पार्टी होने का दावा करती है, गो रक्षा का आंदोलन चलाती है, उनके द्वारा सूचना नहीं दिया गया था। हमारे थाना प्रभारी ने स्वतः संज्ञान लेकर के अपराधियों का मुकाबला किया और उनकी शहादत हो गई। दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह से श्रद्धांजलि के दो शब्द तक के नहीं निकले। भैया पुलिस कर्मी है वो तो कोई जनता दल यू और बीजेपी का सदस्य तो है नहीं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी ने इसकी राजनीतिक आलोचना की है। ठीक है, राजनीतिक आलोचना करिए, लेकिन अगर आप बिहार में कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया, महाजंगल राज आ गया, गुंडा राज आ गया, तो हमको ऐसा लगता है, हालांकि हमारा आँख ठीक है, हम पगड़ी उगड़ी नहीं बांधते हैं, हम स्नान उस्नान रोज करते हैं। कुछ लोग स्नान उस्नान नहीं कर रहा है बहुत दिन से। अच्छा, उसका दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं हम नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि अब तो कोई घर से नहीं निकल रहा होगा, कोरोना काल है, अपराध का कोरोना काल है। ट्रेन में स्टेशन पर देखिए कोई आदमी नहीं मिलेगा, कहीं कोई टेम्पो पर आदमी नहीं, रिक्शा पर आदमी नहीं, गाँव से आदमी नहीं निकल रहा है। अरे लज्जा, अगर बिहार के बारे में कहते हो जंगल राज, ये कहने का अधिकार है तो कहो कि बेटियों के आसमत लूटने वाला राज्य अगर कोई है तो भाजपा शासित प्रदेश मणिपुर है। हम तो अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उन बेटियों का इज्जत को लूटने वाला को बताओ
अब तक किस पर कार्रवाई हुआ है, कौन जेल गया है? भारतीय बिहार में भी बेटियों पर अत्याचार होता है, बेगूसराय में 10 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके परिवार ने FIR किया? हम एक एक जानकारी रखते हैं, हम ऐसे नहीं घूमते हैं। ज्यों ही पुलिस को वो वीडियो मिला जी, 3 लोग गिरफ्तार हुए उसमें, 1 तुरंत गिरफ्तारी हुई, 2 पुलिस दबिश से हुए। वह क्या मामला है उनके परिजन ने नहीं बताया? पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार किया, दबिश बनाया, पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा हुआ। अब देख लीजिएगा, बहुत जल्दी चार्जशीट होके बेचारे अस्थाई बुकिंग हो गया उनका, अब वहीं मिलेंगे। अपराध हो सकता है, कौन इनकार कर सकता है? ये सामाजिक पाप है, लेकिन ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं होगी तो आखिर किसके पास न्याय के लिए जाएगा? भाजपा बोलती है तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के डर से तो बेटी या महिला देखती है भाग जाती है कि बाप रे बाप, बीजेपी का ही बलात्कार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाला MP है, देखती है भागती है जान लेकर के। पार्लियामेंट के अंदर यह स्थिति पैदा हो गया है, इसलिए राजनीतिक आलोचना से भाजपा बचे। अगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोई गलत कर रहा है तो ये संज्ञान में लाए, लेकिन राजनीतिक आलोचना करिएगा तो चिथड़ा उड़ा देंगे, चिथड़ा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार में जो अपराधी है इस तरह से बिहार को जकड़ लिए हैं कि नीतीश कुमार सब संभव नहीं है उसको चला पाना, गद्दी खाली कर दे नीतीश कुमार। अच्छा, ई संभल रहे हैं कि नहीं? संजय जायसवाल, संजय जायसवाल ई खून पेशाब पैखाना के डॉक्टर हैं जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। इन्होंने अपने फेसबुक पर हरिजन लिखा है। हाँ, हरिजन लिखा है, हरिजन और डिलीट कर दिया, कायर है, डरपोक है। हरिजन लिखना कानून में अपराध माना जाता है, तो इन पर अमित शाह आका इनके हैं, होम सेक्रेटरी इनके, राजनीति के संरक्षक हैं, कोई नहीं बचाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के भारतीय दंड संहिता 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, होने जा रहा है। और संजय जायसवाल जी यह पुकार होगा, संजय जायसवाल, पिता मदन जायसवाल, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का आरोपी हाजिर हो, ई दुर्दशा भोगना है। नीरज जी बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि संजय जायसवाल पर SC ST Act लगने जा रहा है। बिल्कुल पक्का, नहीं तो डिलीट किया था, डरपोक है, ये डिलीट कर दिया, लेकिन हम तो रखे हुए थे। यानी कि आप संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में जो भी लोग इस तरह के काम करेंगे कोई बख्शे नहीं जाएंगे। इससे बड़ा अपराधी कौन होगा भाई? आप MP MLA रहे हैं, आप समाज के हाशिए पर के लोगों को आप कहिएगा हरिजन, लज्जा नहीं लगता है बोलने में, लिखने में लज्जा नहीं लगा, हाथ नहीं कांपा? आपको इतना भी कानून का जानकारी नहीं है तो अब जांच करावे ना, नहीं तो फंसिए, अब फंसिए। अब हालत यह है कि दूसरा का खून पेशाब पैखाना क्या जांच करिएगा, अपना जांच करके ना शुगर देखिए, ये नॉन अवेलेबल है, गैर जमानती है, बड़ी कड़ा धारा है। अच्छा सर, प्रधानमंत्री जो बोले थे कि हम दरभंगा में एम्स बनवा दिए हैं, देखिए एम्स जो कहे ना दरभंगा बनवाए, तो हम भी दरभंगा चले गए जी। हमको भी लगा कि भाई इतना बड़ा उपलब्धि हमारा है, इलाज उलाज कराने के? नहीं, इलाज नहीं कराने के, हम गए थे इलाज नहीं, हम खोजने गए, दूरबीन लेके गए। दूरबीन लेके गए और वहाँ पर हम खोजे, तो खोजते खोजते हमको उत्तर पूर्व का कोना जो था ना, हमको मिला वहाँ गड्ढा, गड्ढा मिला थोड़ा सा कैंपस होगा। हाँ हाँ, उसमें थोड़ा पानी था, थोड़ा पानी था, तो पानी में हम उतर गए। अच्छा, तो मैंने दूर से देखा कि इसमें गड्ढा है, सुरंग टाइप का है। अच्छा, तो हमको लगा कि इसी सुरंग में अंदर में एम्स बन गया है। इस सुरंग इसीलिए बनाया गया है कि नरेंद्र मोदी वहीं बैठ के, चांदसी दवाखाना नहीं होता है, चाहे वो आप देखे होंगे कि यहाँ से स्टेशन दिल्ली जब जाता है तो लिखा रहता है डॉक्टर खोखर से संपर्क करें, तो वैसे ही डॉक्टर की पोस्टिंग भी करवा दिया वहाँ। अच्छा, हमको वहाँ पता चला, वहाँ बताया लोग कि इसके अंदर सुरंग है और नरेंद्र मोदी ने यहाँ बनवा दिया, चांदसी दवाखाना का दुकान भी अंदर खुल गया है, और डॉक्टर खोखर जैसे लोग यहाँ से दिल्ली तक जितना स्टेशन पर जाइएगा सबके बगल में लिखता है डॉक्टर खोखर से संपर्क करें। तो एक केंद्रीकृत जगह हो गया कि भाई डॉक्टर खोखर वहीं बैठेंगे अब, तो डॉक्टर खोखर को वहीं पर पदस्थापित भी हमारी जानकारी के हिसाब से उनको कर दिया गया है।
अच्छा आप गए हैं तो एम्स का उद्घाटन हुआ है कि नहीं अभी बता दीजिए। अरे भाई एम्स तो बन गया पताल के अंदर, बन गया पताल के अंदर, बन गया सुरंग भी उसके लिए बन गया, चांसी दवा खाना खुल गया, डॉक्टर खोखर उनका पदस्थापन भी कर दिया गया है वहाँ। हमारे साथ नीरज सिंह जी थे, इन्होंने प्रधानमंत्री कई दिन पहले बयान दिए हैं कि दरभंगा में हमने एम्स बनवा दिया है तो 15 में, क्योंकि मोदी जी का ये जो बिल पास हुआ था कि 1246 करोड़ से दरभंगा एम्स बनेगा तो 9 साल लगभग हो गया, तो उनको शायद लगा होगा कि बन गया होगा, वो जो अपना होमवर्क है पूरा करके नहीं आए होंगे, तो इस वजह में बयान दे दिए कि दरभंगा में एम्स बन गया। और बिहार में जो अपराधी घटनाएं घट रही इस पर हमने इनसे जाना कि बिहार में क्यों अपराधी घटनाएं घट रही, इस पर आप लोग क्या सोचते कमेंट बॉक्स में बताइए। आप देख रहे थे रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज़, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।